हेलो गाइस, ऑप्टिकल बेसिस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज मैं इसी मेटल फ्रेम में लेंस को फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। गाइस, लेंस होगा फाइबर का, बाइफोकल लेंस होगा, और वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या कैसे फिटिंग किया जाता है। तो पहले क्या करना है, पहले ये जो बाइफोकल लेंस आप देख रहे हैं, ये नीचे मून दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं राउंड टॉप बाइफोकल। तो इसी लेंस को मैं उसी फ्रेम में फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं पावर चेक कर लिया है कि मेरे पास एक राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है, मैंने एक्सिस भी करके रखा है। तो जिन लोगों को एक्सिस मार्किंग नहीं पता क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, तो मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और बाइफोकल ग्लास को कैसे मेजरमेंट लिया जाता है फ्रेम के हिसाब से, तो उसका भी वीडियो में ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो उधर जाके भी। गाइस, मैंने फ्रेम के ऊपर मेजरमेंट ले लिया है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है 180 का। इसमें क्या होता है, लेंस के ऊपर एक्सिस मार्किंग बहुत अच्छे तरह से किया जाता है। तो चलिए डेमो लेंस के हिसाब से लेंस को मार्किंग कर देते हैं। ये राइट आई का डेमो लेंस है, तो और ये राइट आई का लेंस है, मार्किंग हो गया है लेंस के ऊपर, और अभी लेफ्ट आई का करना है। और गाइस, ये लेफ्ट आई का मार्किंग भी हो गया है लेंस के ऊपर। तो चलिए इसी लेंस को कटिंग करके दिखा देते हैं। तो गाइस, लेंस कटिंग हो गया, अभी उसी लेंस को हैंड एजर मशीन से वो मेटल फ्रेम में फिटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फिटिंग करके दिखा देता हूँ। गाइस, मेटल फ्रेम में ये स्क्रू लग रहता है, इधर आप देख सकते हैं, ये पहले निकालना पड़ता है, ये जो स्क्रू रहता है तभी फिटिंग हो पाएगा। ये दोनों साइड में रहता है, तो चलिए ये पहले थोड़ा निकल देता हूँ। तो गाइस, मैंने थोड़ा लूज़ कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जब ये लेंस को फिटिंग हो जाएगा तब ये स्क्रू जो है ये टाइट कर देंगे।
तो गाइस फिटिंग हो गया है, अब देख सकते हैं। तो वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्पेक्ट्रम के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं।